नमस्कार, खबरकास्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर अभी मौजूद हैं नेपाल और नेपाल पोखरा में। जी हाँ, हम आपको बता दें और अभी यहाँ पे ताल बहरी माता की आरती हुई है और पंडित जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जानेंगे आपका शुभ नाम क्या है। धन्यवाद। मेरा नाम मदन राज नेउपाने हैं, जो यहाँ आरती का प्रमुख गुरु तथा ये समिति का कोषाध्यक्ष। ये दिव्य आरती गंगा आरती में आप लोग को स्वागत करते हैं, आपको भी यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। ये दिव्य आरती गंगा आरती के विषय में आप जानना चाहते हैं। ये महाआरती गंगा आरती नेपाल का 2075 साल असोज महीना का 24 गते घटस्थापना का दिन से शुरुआत हुई है। ये दिव्य आरती निरंतर दैनिक रूप में इसी तरह महाआरती होती है। यहाँ पे विभिन्न जगह से, विभिन्न देश विदेश से, मित्राष्ट्र भारत से तथा नेपाल का विभिन्न जगह से दिव्य महाआरती गंगा आरती की दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु भक्तजन डेली रूप में इसी तरह आते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग ने देखे होंगे अभी यहाँ पे कितने लोग आए हैं, इसी तरह और भी लोग यहाँ आते हैं और ये दिव्य आरती दैनिक रूप में इसी तरह चलता रहता है। ये दिव्य आरती महाआरती भगवती माँ बाराई देवी का जो मंदिर है, वो ताल के बीच में माँ बाराई देवी का मंदिर है, वही देवी में समर्पित ये दिव्य आरती दैनिक रूप में हो रही है। और ये दिव्य आरती में यहाँ विभिन्न जगह से भक्त लोग आते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो 150 जो भी हो सहयोग देते हैं, दान प्रदान करते हैं, उसी दान से ये दिव्य आरती अभी तक चल रही है और भी आगे ले जाने के लिए भक्त लोग का साथ और आप लोग का साथ हम लोग को चाहिए और दिव्य आरती हम लोग आगे लेता रहेंगे। और दिव्य आरती भी मैं विगत कुछ साल पहले मित्राष्ट्र भारत का बनारस में, जो काशी बनारस में, वहाँ पे गंगा सेवा निधि नाम कर एक संस्था है, वहाँ पे आरती जो विश्व में सब टॉप आरती होता है, 7 आरती 11 आरती होती है, वहीं मैं 5 साल वहीं रहा। वहाँ पे आरती मैंने 5-7 वर्ष वहाँ पे किया। उसके बाद मेरे मन में भी आया नेपाल में एक जगह कहीं जाके मैं भी अपने तरफ से एक आरती शुरुआत करें, भगवती माँ बाराई देवी का कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ, तो उसी दिन से यहाँ पे आरती शुरुआत हो रही है। प्रतिदिन आरती होती है? प्रतिदिन आरती होती है, रोज आरती यहाँ पे इसी तरह होती है। इसका समय क्या रहता है बेसिकली? इसका समय जो संध्याकालीन समय होती है, जो ठंडा के समय में थोड़ा जल्दी आरती होती है। अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा अभी लगभग 7 बजे शुरुआत हुई आज आरती। इसी तरह होता है संध्याकालीन, मतलब जब सूरज ढलता है उसी तरह आरती भी शुरुआत होती है। भारत और नेपाल की मैत्री संधि जो है वो काफ़ी मजबूत होती है और हमने अभी देखा कि मैक्सिमम लोग जो थे भारत से आए थे, बाकी विदेश अन्य देशों से थे लोग थे, लेकिन भारत से कुछ ज़्यादा लोग थे। तो क्या कहना चाहेंगे भारतीयों के लिए यहाँ से अपने? मैं भारतीयों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो देश का विवाद है ये जल्द ही ठीक हो। हम कामना करते हैं माँ बाराई देवी से, भगवान पशुपतिनाथ विश्वनाथ से कामना करते हैं जल्द ठीक हो। और जो भी आ रहे हैं भारत से आ रहे हैं, उन लोग का सबको स्वागत है। भारत से जो जितना भी आते हैं उन लोग को नेपाल में, पोखरा में, दिव्य आरती में सब स्वागत है। हम अपने तरफ से स्वागत करते हैं, ये जल्द ही ठीक हो, हम इसके लिए माँ बाराई देवी से कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी। चलिए, ये माता की जय हो। और देखिए, जिस तरह से हम आपको बता दें कि नेपाल की पवित्र धरती पर अभी मौजूद है पोखरा में और अभी ताल बहरी माता की आरती आपने देखी और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर, और जिस तरह से पंडित जी ने एक मैसेज दिया कि भारत और नेपाल की मित्रता को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही उचित है। और हमने यहाँ देखा कि भारत के लोग जहाँ आते हैं तो आने के लिए कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती और नेपाल के लोग जो है वो बहुत ही अच्छे हैं जिस तरह से भारत के लोग हैं, तो ये मैत्री ऐसे ही बनी रही। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मनीष ठाकुर की सीधे दर्शन और जिस तरह से श्रद्धालु जो है उम्र पड़ी और ताल बाराही माता की जो आरती है उसमें जो श्रद्धालु हैं वो छू उठे। सीधी सी जानकारी आपको प्रभास टीम के माध्यम से दे रहे हैं। किस तरह से आपको दिखा देते देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से लोग इन्हें लाल बड़ा ही आरती माता जी की आरती जो है अभी चली है।
आप सीधी लाइव तस्वीरें पोखरा से हाल से पोखरास टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। भक्तों की जो है भीड़ उमड़ पड़ी है और वे नाचते गाते हुए आप देख पा रहे हैं। चलिए आज के लिए खबर खास के लिए ग्राउंड जीरो से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।